हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे कि एग्जाम में आपको कैसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपना आंसर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर है 63, पेज नंबर है 2.91, टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, धीरे धीरे हम रीड करेंगे और उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन एक बारी में समझ ना आए तो कम से कम आप इसको दो बार तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी तबीयत मेरी अच्छी नहीं है तो बीच में थोड़े डिस्टरबेंस होगा तो प्लीज माफ करिएगा उसके लिए। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3। तो मीता एंड उषा दो पार्टनर हैं जिनकी रेशो है 2:3। दियर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंसेस ऑफ रुपीज 1,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहां पर आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ करके मैं आपको समझा देता हूं। 1/4/2015 को दो पार्टनर हैं मीता एंड उषा, इनके कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं, कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 1,40,000 मीता का ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का और 1,20,000 उषा का ओपनिंग बैलेंस है। आगे कहता है द ड्रॉइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16। हम किस साल के लिए बात कर रहे हैं, 15-16, 31 मार्च 2016। तो यहां पर जो है वो ड्रॉइंग्स इनकी दे रखी है, पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स यहाँ पे गिवन है। कितनी ड्रॉइंग्स है 15-16 में, 32 मीता ने किया है विड्रॉ और 24 उषा ने। तो मीता को मैं एम लिख देता हूँ, मीता का है 32,000 का ड्रॉइंग्स और उषा का है 24,000 का, ठीक है। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। ओके, जो ये अमाउंट विड्रॉ किए गए हैं ये है 1 जनवरी 2016 को, मतलब यहाँ कहीं पे ये विड्रॉ किए गए हैं, ये जो अमाउंट ड्रॉइंग के हैं ये यहाँ पे विड्रॉ किए गए। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड, ओमिटेड मतलब भूल गए, ओमिटेड का मतलब भूल गए, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। जब उन्होंने फाइनल अकाउंट बना दिए हैं तो उसके बाद उनको ये बातें पता चली हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम जो कि देना था वो भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि चार्ज करना था पार्टनर से 6% पर एनम का वो भी भूल गए। मीता वाज एंटाइटल्ड मतलब होता है उसको राइट है, अधिकार है उसको टू ए कमीशन ऑफ ₹8,000 फॉर द होल ईयर। तो उसको पूरे साल का जो कमीशन मिलना था वो कितना मिलना था, 8,000 का, जो कि वो भूल गए हैं। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास ए रेक्टिफाइंग एंट्री, ध्यान से देखना, मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने कहा रेक्टिफाइंग एंट्री डालनी है, एंट्रीज नहीं मांगा है, तो आपको एक नेट एंट्री डालनी है। इसका मतलब आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी है और उसके बाद देखना है कि नेट डेबिट कितना करना है मीता या उषा को और नेट क्रेडिट कितना करना है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओके, ऑल इंडिया 2017 कंपार्टमेंट एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री, क्योंकि एक एंट्री आपसे पूछी है तो इसका एक फॉर्मेट आप प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये आपका फेयर पार्ट है, ये आपसे मांगा गया है। तो यहां पर लिखा जाता है डेट पर्टिकुलर यहां पर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस, ठीक है। और एक आप एलएफ के लिए बनाना चाहें तो एक एलएफ,
हालांकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, यहाँ पर लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है, लेकिन आज के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता नहीं है क्योंकि सारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, ये मैनुअल बुक्स नहीं बनती हैं, बहुत ही कम बनती होंगी अगर बनती होंगी तो भी। तो यहाँ पे हम एक एंट्री पास करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन ने हमसे मांगी है। चलिए, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मेट यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि नेट किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से एक फॉर्मेट बना के। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले हम फर्म के लिए बनाएंगे एक कॉलम, ये हम बना देते हैं फर्म के लिए, और ये बना लेते हैं हम पार्टनर्स के लिए। हमारे यहाँ पर दो पार्टनर है क्वेश्चन में, मीता एंड उषा, तो हम यहाँ लिख देते हैं मीता, मीताज कैपिटल, और यहाँ पे लिख देते हैं उषाज कैपिटल। फिर इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, राइट, ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर आप पर्टिकुलर लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा स्लो लग रही है तो आप एक काम करिए, वीडियो को, आपके पास ऑप्शन रहता है कि वीडियो को वीडियो की स्पीड बढ़ाने कम करने का आपके पास ऑप्शन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी, जो प्रॉफिट यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर क्या प्रॉफिट बोला गया है, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, पढ़िए पूरा क्वेश्चन। मीता उषा आर पार्टनर इन फर्म, यहाँ पर कहीं पर भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट का कोई बताया नहीं कि भाई प्रॉफिट पूरे इस साल में कितना कमाया गया है। तो मैंने आपको क्या समझाया था लास्ट टाइम कि भाई प्रॉफिट दे रखा है तो उसको वापस ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम कैसे करें? तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप जो फर्स्ट एंट्री थी वो तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट आपको दिया होता तो आपको उसको रिवर्स करना था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, तो आप एक काम करिए, क्या चीजें आप भूल गए हैं उनको फटाफट से डालना स्टार्ट कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम आप भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का किसके ऊपर लगाएंगे? मीता की कैपिटल जल्दी से बताइए, 1,40,000, 1,40,000 मल्टीप्लाई 6% पर एनम, तो वो आ जाएगा 8,400। लिख दीजिए 8,400। ठीक है, फिर उषा की कैपिटल देख लीजिए कितनी है, उषा की कैपिटल है 1,20,000 और इंटरेस्ट का रेट है 6%, 1,20,000 का 6%, ये आ जाएगा 7,200। तो इसके कैपिटल अकाउंट में 7,200 क्रेडिट हो जाएगा। फर्म के हाथ में डेबिट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के हाथ में इनका टोटल 15,400 से वो हो जाएगा डेबिट, सॉरी 15,600 फर्म के हाथ में डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट, और पार्टनर्स के हाथ में क्या होगा, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट क्या चीज बोले थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका रेट आप देख सकते हैं 6% पर एनम है, तो यहां पर ड्रॉइंग की डेट देखिए ध्यान से, ड्रॉइंग की डेट क्वेश्चन में दी गई है, कितनी दी गई है, 1 जनवरी 2016, मतलब ये कि 3 महीने, जनवरी पूरा, फरवरी एंड मार्च, तो यहां पर 3 महीने का इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बताइए क्या बनेगा, कैसे कंप्यूट करोगे? 32,000 मीता की ड्रॉइंग्स है, तो 32,000 का
6% पूरे साल का आएगा, डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 3 480। सर यहाँ पे करके दिखा दीजिए, मैं यहाँ पे एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 32,000 का 6% 3/12, ठीक है, तो ये आ गया 480। और दूसरा 24,000 का 6% 3 मंथ्स का, 24,000 का 6% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 3 आएगा 360। इन दोनों का टोटल कितना होगा, 480 360 का 840, 480 360, 480 360, ठीक है। और टोटल हो गया, फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो गया एक तरह का, ठीक है। तो उनके अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, फर्म के हाथ में क्रेडिट कर दिया। फिर आगे एक आइटम और हम भूल गए थे, दो हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हो गया। मीता वाज एंटाइटल कमीशन, 8,000 पूरे साल का उसको कमीशन मिलेगा, तो मीता के अकाउंट में क्रेडिट हमने कर दिया क्योंकि उसको मिलेगा, और फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस हो जाएगा, वो डेबिट कमीशन, राइट। अब आप यहां पर देख लीजिए कि फर्म के हाथ में नेट कितना बैलेंस बच रहा है। फर्म के हाथ में टोटल डेबिट कितना हुआ, 15,600 प्लस 8,000 23,600 डेबिट हुआ। क्रेडिट में केवल 840 है, 23,600 माइनस 840 दैट इज 22,760। ये जो 22,760 है ये है फर्म के हाथ में डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। अब ये लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, क्या कोई रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कहीं पे रेशियो है। जी हाँ, यहाँ पे एक रेशियो दी गई है 2:3, 2:3 की एक रेशियो गिवन है, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2:3 में। तो 22,760 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2 9104, इसको सॉरी ये क्रेडिट में नहीं पार्टनर के डेबिट में जाएगा क्योंकि लॉस है, तो पार्टनर के ये डेबिट साइड पे जाएगा कैपिटल अकाउंट में 9104 और 13,656। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर इसका नेट इफेक्ट देख लेते हैं, एक बार टोटल कर लेते हैं, जरा डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 480 प्लस 9104 ये आ जाएगा 9584, ठीक है। और इसका आप टोटल करेंगे 16,400 आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे ये आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 13656, ये आ जाएगा 14,016 और ये आ जाएगा 7,200। ये तो नेट इफेक्ट इसका कुछ नहीं आया, मतलब ये मैच हो गया इफेक्ट। यहां पर कौन सी साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड, 16,400 माइनस 9584 ये है 6814। तो मीता का कैपिटल अकाउंट 6814 से क्रेडिट होना चाहिए नेट, और इसका यही आना चाहिए बैलेंस, देख लेते हैं 7,200, तो ये भी सेम यही आ रहा है, डेबिट आ रहा है 6814, 681, एक मिनट 6816 आ रहा है, कुछ गलती कर दी शायद, नहीं एक मिनट 16,004 माइनस 9584, हाँ 6816 आ रहा है, ये होना चाहिए क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 6816 डेबिट, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो मीता को नेट क्रेडिट कितने से करना है, 6816 से, और उषा को डेबिट करना है 6816 से। तो आइए यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पे हमने इसका फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर किया था। हाँ जी, उषा को डेबिट करना है यहाँ पर, उषा कैपिटल अकाउंट
डेबिट 6816। इसका एक बार आंसर भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे होगा 6816, ठीक है जी। यहाँ पर डेबिट उषा कैपिटल और क्रेडिट मीता कैपिटल, ऐसे इसको करना है आपको। और यहाँ पे लिखना है आपको मीताज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। राइट, तो यहां पर आपने ये एंट्री पास कर दी है। ओके, बात क्लियर है। तो यहां पर जो हमने नया पॉइंट सीखा है वो ये है कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया हुआ तो उस केस में हम उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, हम उसको डेबिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, फिर हम उस चीज को इग्नोर कर देंगे और हम क्या करेंगे, जो चीजें छूट गई हैं हम सिर्फ उनको डालते जाएंगे और अल्टीमेटली वहां पर लॉस दिखाई देगा क्योंकि हमने प्रॉफिट रिवर्स नहीं किया है, तो वहां पर लॉस आ जाएगा। उस लॉस को आप रेशियो में बांट देंगे, जो भी रेशियो गिवन है, नहीं गिवन है तो इक्वल रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके आपके पास हो जाएंगे, अगर प्रॉफिट को आप रिवर्स एंट्री डालना चाहते हैं तो आप डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो आप नहीं डालिए, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।